Hey guys, this is Suraj Soni and you are watching my YouTube channel where we learn basic chemistry. So friends, once again welcome back in my YouTube channel. तो दोस्तों, last session में मैंने एक blog बनाया था जिसमें मैंने discuss किया था FSSI के 2022 में मई के मंथ में कंडक्ट किए हुए एग्जाम को, जो 8 मई को संडे के दिन था मुंबई के सेंटर्स पे. तो उसका रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड था 27 मई को, लेकिन उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है FSSI के वेबसाइट पे. तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का और स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा. तो फ्रेंड्स, अभी तक तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन FSSI के साइट से नहीं आया है. होप कि जल्दी ही वो नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा और जल्दी ही आप सभी लोगों का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा. तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ FSSI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि एग्ज़ाम कभी कंडक्ट होगा, रिजल्ट्स कभी आएंगे, एडमिट कार्ड कभी मिल जाएंगे आपको. इन केस अगर आपने फर्स्ट स्टेज FSSI का फर्स्ट CBT अगर आपने क्लियर कर लिया, तो आपका सेकेंड थियरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होंगे और उसके रिजल्ट्स कब एक्सपेक्टेड है. तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं. उसके साथ ही हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि FSSI ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसमें उन्होंने 8 से 10 क्वेश्चंस गलत सेट किए हैं. तो FSSI ने उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट को मेल किया है उनके मेल ID पे विथ क्वेश्चंस विच वेयर रॉन्ग इन दी एग्जामिनेशंस. तो वो भी हम देख लेंगे फटाफट से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो FSSI का नोटिफिकेशन है, जो कि है फाइल नंबर QA 110221 2022 QA FSSI, ये नोटिफिकेशन आया था FSSI की तरफ से, जिसमें उन्होंने कंडक्ट किया था 8th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशंस FAE 2022, और उसके साथ ही उन्होंने कंडक्ट किया था 5th जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन FAE 2022. तो यहाँ पे उन्होंने शेड्यूल दिए हुए हैं एग्जामिनेशंस के. तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1st week of March तक कर सकते थे हम. उसके साथ ही उन्होंने बताया था कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक हम लोग, लास्ट डेट क्या होगा एप्लीकेशन का, जो कि लास्ट वीक था मार्च का. और उसके साथ में उन्होंने बताया था कि एडमिट कार्ड कब इशू हो जाएगा, तो 2nd week of April में हमें एडमिट कार्ड जो है वो मिल गया था. उसके साथ ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन थियरी पेपर के लिए 1st week of May उन्होंने बोला था, जो कि 8th May को कंडक्ट किया गया था संडे के दिन. उसके साथ में उन्होंने नेक्स्ट कॉलम में लिखा अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ थियरी पेपर, लिखा है उन्होंने 3rd week of May 2022. तो ये जो है इसका जो रिज़ल्ट है वो अभी एक्सपेक्टेड था, बट अभी तक तो आया नहीं है. तो उसका ही साथ में दोस्तों, नेक्स्ट हमें बताया था कि अगर फर्स्ट CBT अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 2nd week of June में आ जाएगा, और आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा फूड एनालिस्ट का वो 1st week of July में कंडक्ट कर दिया जाएगा, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो जो है हमें 4th week of July को मिल जाएगा. उसके साथ ही उन्होंने नीचे लिखा है सर्टिफिकेट इश्यू रिलेटेड. तो जो सर्टिफिकेट हमें मिलने वाला था, जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो उन्हें 3rd week of June में उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो FSSI अप्रूव्ड जूनियर एनालिस्ट हो चुके हैं. उसके साथ ही अगर कोई बंदे ने कोई किसी स्टूडेंट ने CBT 1 क्लियर कर लिया, साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, तो उसे FSSI का जो है फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो FSSI एनालिस्ट बन चुका है.
जिसका रिजल्ट, जिसका सर्टिफिकेट इशू होने वाला है 3rd week of August 2022 को। तो चलिए अभी देखते हैं कि FSSAI ने कौन से ऐसे 10 क्वेश्चंस रॉन्ग सिलेक्ट किए थे कंडक्ट एग्जामिनेशन में, 10 ऐसे कौन से क्वेश्चन जो उन्होंने रॉन्ग डाले थे उसका उन्होंने हमें नोटिफिकेशन भेजा है। चलिए हम फटाफट से वो सारे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये FSSAI की तरफ से आया हुआ जो मेल है उस मेल में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, प्लीज़ गो थ्रू विद दी अटैच्ड फाइल फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग FSSAI एग्जामिनेशन ऑफ 8th FAI FAE एंड 5th FAE 2022। उन्होंने नोट में डाला है इट्स सिस्टम जनरेटेड मेल, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई टू दिस मेल। और उसके साथ में इन्होंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो टेबल फॉर्मेट में हमें बताया है कि ये जो 10 क्वेश्चंस है वो हमने गलत सिलेक्ट किया था, जिसके मार्क्स जो है आपको FSSAI की तरफ से दे दिए जाएंगे, चाहे आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो या फिर आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना किए हो, तो भी आपको ये जो 40 मार्क्स है 10 क्वेश्चंस के जो 40 मार्क्स बनते हैं वो सारे कैंडिडेट्स को ऐसे ही दे दिए जाएंगे। तो ये एक FSSAI की तरफ से अच्छा अनाउंसमेंट कह सकते हैं जो कि उन्होंने स्टूडेंट्स के फेवर में किया है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि जल्दी से FSSAI का वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें सभी के रिजल्ट्स कब आने वाले हैं वो हमें पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको ये जो सेशन है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।